हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कपिल सैनी, आयुर्वेदा जॉइंट पेन कंसल्टेंट एंड हेल्थ कोच। आज हम बात करेंगे चीकू के बारे में। जी हाँ, चीकू को हम एज अ फल तो यूज करते ही हैं, लेकिन इसे हम औषधि के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इन सभी तरीकों का प्रयोग मैं खुद पर और खुद के पेशेंट्स पे करता हूँ, जिससे काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप भी इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने परिवार को और खुद को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले शुरुआत में मैं बताना चाहता हूँ कि चीकू एक मधुर रस प्रधान फल है और इसमें जलीयांश काफी अच्छा होता है। तो गर्मी के सीजन में अगर आपके शरीर से बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे साल्ट्स जो हैं उनका अगर लॉस हो गया है पसीने के साथ, तो अगर आप चीकू का प्रयोग करते हैं तो उससे आपके शरीर में हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। और अगर आपको बार बार प्यास लग रही है गर्मी के सीजन में, तो केवल चीकू को खाने से आपको प्यास बुझ सकती है। अगर आप बहुत सारा पानी पियेंगे तो आपको और ज्यादा टॉयलेट आएगा और उससे आपके शरीर से बहुत सारे साल्ट लॉस होगा, तो ये कंटिन्यूसली एक साइकिल होगा। तो हमें केवल अगर हमारे शरीर में साल्ट लॉस हुआ है, बहुत सारे मिनरल्स का लॉस हुआ है, तो बार बार बहुत सारा पानी नहीं पीना है, बल्कि पानी से बनी हुई चीजें लेनी है। और चीकू जैसे फलों का प्रयोग विशेष रूप से करना है जिनमें दलियांश अच्छा है, तो वो हमारे शरीर में सारे मिनरल्स को और सारे साल्ट का बैलेंस करेंगे। इसके साथ चीकू बहुत ही फाइबर रिच फ्रूट्स है, तो अगर आप चीकू 3 या 4 चीकू या 5 चीकू या 6 चीकू तो अगर एक दिन भर में खा लेते हैं तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो इससे काफी अच्छे तरीके से ठीक होगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को और सुझावों को कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। आप हमसे कंटिन्यूअसली जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आयुर्वेद का ये प्राचीन ज्ञान, जिसका उपयोग करके हमारे पूर्वज स्वस्थ और दीर्घायु जीवन बिताते थे, उसी ज्ञान का प्रयोग करके हम हमारे जीवन को सुखायु बना सकें। जय हिंद, जय भारत।